क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड डाइट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? जी नहीं, बट आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जैसे कि आप जब भी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फूड आइटम्स लेते हैं, जैसे कच्चा प्याज, लहसुन या फिर मिंट या सौंफ या टूथपेस्ट टूथब्रश करते हैं, तो इसके कुछ देर बाद ही होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए, तुरंत नहीं लेनी चाहिए। हमारे माउथ में बहुत सारी नर्व्स होती हैं, टंग में बहुत सारी नर्व्स होती हैं, तो जैसे ही हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं मुँह के अंदर, तो वहीं से उसका मेडिसिन जो है नर्व्स के थ्रू एब्जॉर्ब होना शुरू कर देती है और वहीं से एक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपके माउथ में जितनी कम स्मेल रहेगी उतनी ज़्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो इफेक्टिव होगी। तो आप जब भी ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग स्मेली चीज़ें लेते हैं तो इसके 15 से 20 मिनट के बाद ही मेडिसिन लें, और साथ में अगर आप चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो इसको आपको मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए, जैसे कि 2 से 3 बार एक दिन में। और साथ में अगर आप अल्कोहल या फिर कोई तंबाकू खाते हैं तो फिर आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन के इफेक्ट को कम कर देती है। याद रखिए, डाइट रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बीमारी से रिलेटेड होती है, ना कि होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड। थैंक यू। Stay healthy, stay aware.